रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया जट्टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा एवं जिले के समाज सेवियों ने अपील की है कि 30 अक्टूबर को रीवा जिले में होने वाले एमपी वैक्सीनेशन महाअभियान में अधिक से अधिक लोग टीकाकरण करवाएं। ऐसे लोग जिन्होंने कोविड 19 वैक्सीन का अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाया और जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया और सेकेंड डोज ड्यू है, उनसे अपील है कि वो एमपी वैक्सीनेशन महाअभियान में टीकाकरण अवश्य करवाएं। 30 अक्टूबर को यानी कि कल ज़िले भर में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान एक बार पुनः आयोजित किया जा रहा है। मेरा सभी नागरिकों से यह आग्रह है कि जिन नागरिकों द्वारा अपना प्रथम डोज लगवा लिया गया है और जिनके दूसरी डोज की तिथि आ चुकी है, वे कल के इस महाअभियान का बढ़ चढ़कर फ़ायदा उठाएं एवं अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर खुद को एवं अपने परिवार को सेकेंड डोज लगाने के लिए प्रेरित करें एवं सुरक्षा कवच प्रदान करें। धन्यवाद। जो भी लोग इस कोरोना महामारी से सर्वाइव करे हैं, पहले तो उनको बधाई, और अब बारी है एक बार पुनः जो महाअभियान चल रहा है कोविड टीकाकरण का, उस पर शेष बचे लोग सब आगे बढ़ करके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और देश को, समाज को, परिवार को इस कोरोना महामारी से बचाएं। मेरा नाम अविराज है। वैक्सीनेशन महाअभियान लगातार चल रहा है, इसी कड़ी में कल 30 अक्टूबर को एक पुनः वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किया गया है। मैं शहर के तमाम साथियों से, अपने मित्रों से, युवा साथियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो इस महाअभियान में शामिल हों और अपना प्रथम डोज लगवाएं। जिन्होंने प्रथम डोज नहीं लगवाया, वह प्रथम डोज लगवाएं, और जिनका सेकंड डोज का समय हो चुका है, वह आगे आकर इस महाअभियान में शामिल हों और सेकंड डोज लगाएं। वैक्सीनेशन डोज लगवा कर खुद को और समाज को सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।